इस वक्त हम गाजीपुर के जखनिया विधानसभा में हैं। जखनिया विधानसभा की बात करें तो यह भाजपा के लिए सूखा प्रभावित इलाका है। सूखा प्रभावित इलाका कहने का मतलब यह है कि जब से यह विधानसभा बनी है भाजपा का कमल नहीं खिल पाया है। ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह ने आकर जखनिया के लोगों को कई तरह के मंत्र दिए हैं, उनके कार्यकर्ताओं को भी मंत्र दिए हैं। ऐसे में उनके जो कार्यकर्ता है 7 तारीख को कमल के बटन पर कितना वोट करवा पाएंगे इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ भाजपा के कई कद्दावर यहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बार जो है जो जखनिया में सूखा प्रभावित इलाका है उसके आज प्रोफेसर आए थे, क्या लगता है सूखा खत्म हो पाएगा या क्या होगा? बिल्कुल सूखा प्रभावित तो ये कभी नहीं रहा है, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने परिणाम दिया है और जखनिया की ऐतिहासिक धरती से ऐतिहासिक विजय भी हमने पिछली बार गठबंधन के अपने प्रत्याशी को दिया था। आपको मैं संज्ञान दिला दूं कि जब 2014 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यही आपकी जो बात है कि सूखा था, उस सूखा को जखनिया की जनता ने समाप्त किया था और मनोज सिन्हा जी को जखनिया की जनता ने 63,000 वोट दिया था। उसके बाद चुनाव आया 17 में, लोग कहे कि भसू भाजपा आपके साथ है तो आप जीत जाएंगे। ठीक है, सू भाजपा को साथ हमने लेकर के 73,000 वोट 17 में प्राप्त किया। फिर चुनाव आता है 2019 का और 2019 में ओम प्रकाश राजभर हमसे अलग हो जाते हैं। उसके बाद इस सिद्धपीठ की धरती पर यहाँ के नौजवानों ने जोरदार तरीके से मतदान करते हुए बिना राजभर के समर्थन का 93,000 वोट देकर के मनोज सिन्हा को यहाँ से, लेकिन विधानसभा में कमल नहीं खिल पाया। विधानसभा में कमल का आज तक प्रत्याशी या इस समय 2014 के बाद जब जनता ने मूड बनाया तब से पहली बार कमल का प्रत्याशी आया है। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत सिंह। चंद्रकांत सिंह, क्या लगता है अमित शाह आए थे कमल खिलाने के लिए, कौन सा मंत्र दिया है? हमारे पास मुद्दाओं की कोई कमी नहीं है, विकास के नाम पर हम वोट करेंगे और हम जखनिया विधानसभा में पूर्व की भांति इस बार उससे बम्पर वोटों से अपने प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह जी। रुद्र प्रताप जी, अमित शाह आए थे, मंच से बहुत सारे बातें बोले हैं, क्या लग रहा है इस बार जखनिया में कमल का क्या होगा? जी जी, सभी के आशीर्वाद से यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है कि रामराज बनवासी को यहाँ से विधायक बनाकर भेजना तय हो गया है, जखनिया के लोगों ने तय कर दिया। क्या नाम भैया? राम प्यारे यति सर। जो है इस बार कमल पूर्णतः खिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आखिर इतने सालों से जो जखनिया विधानसभा में कमल के लिए जो सूखा था, आखिर इसका कारण क्या रहा? सूखा था ही नहीं सर, पहले सूखा था, एकदम बिल्कुल नहीं सूखा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरा विकास ही विकास है, हर मुद्दे पर विकास। लेकिन जो हम रिकॉर्ड की बात करें तो 1952 से, यानी जब से विधानसभा जखनिया विधानसभा बना है तब से लेकर अब तक कमल का फूल नहीं खिला है। कमल का फूल नहीं खिला, गठबंधन की सरकार मना करती थी, कहीं सपा कहीं बसपा जो है वो अपने हिसाब से काम करती थी। जो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की सरकार हमेशा विकास की बात करती है और विकास के लिए जो कमल इस बार जोरदार तरीके से खिलने वाला है। 2014 से पूर्व कमल इसलिए नहीं खिल पाया कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र रहा है और समाजवादी पार्टी जैसे अन्य लोग यहाँ के नौजवानों को गुमराह करते रहे हैं। जबकि 2014 के बाद आप देखे होंगे पिछले दिन जब नियुक्तियां हुई तो कोई सूची किसी चर्चा की नहीं आई, सारे नौजवानों को पूर्वक पुलिस में भर्ती मिली और शिक्षक में भर्ती मिली। इसलिए नौजवान इस बार मूड बना चुका है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके कमल का फूल खिलाएगा। क्या नाम है भैया आपका? राजेश। राजेश जी, क्या लगता है आज अमित शाह जी आपके जखनिया के क्षेत्र पर हैं, 2 दिनों बाद मतदान होना है, क्या लगता है अमित शाह की बातों का लोग कितना मतलब? जी एकदम 100% मतलब रखेंगे। अमित शाह जी ने प्रभावशाली भाषण दिया जो जन जन को समझ में भी आया और समृद्धि और विकास और महाराज जी का बुलडोजर डबल रफ्तार से चले गुंडों पे, इसीलिए यहाँ की जनता यहाँ कमल का फूल खिलाएगी इस बार। तो ये तो हमारे साथ जखनिया विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय वोटर भी हैं ये लोग। इन लोगों का कहना है कि भले ही अब तक जखनिया विधानसभा में कमल नहीं खिल पाया है लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद, अमित शाह के आने के बाद इस बार जखनिया विधानसभा में कमल खिलाकर मुसहर समाज के बेटे को विधानसभा तक भेजने का काम करेंगे। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।